किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं हूं हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत कल्याण की बहुत सारी जानकारियों को लेकर और ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होती हैं वर्तमान में अभी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे किसान भाई लगे हुए हैं जोरों शोरों से क्योंकि रवि सीज़न का आगमन हो चुका है खरीफ में जो फसलें थी हम लोगों ने उसको कटाई कर ली है अब किस तरीके से उनको हमें देखना है और तैयारी किस प्रकार करना है क्योंकि जो आगामी जो समय है बहुत सारी फ़सलों को हमें लगाना है रवि सीज़न का जो आगमन होता है तो हमारा फसल चयन हमारी किस किस तरीके से खेत की तैयारी करना है ये तमाम जानकारियाँ जो हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है जी हाँ आज हमारा विषय भी यही है कृषि में सामायिक कार्य इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे विस्तार से डॉक्टर एच टी वर्मा जी के साथ में चलिए चलते हैं नमस्कार किसान भाइयों वैसे तो खेती के काम वर्ष वर्ष चलते रहते हैं लेकिन यह समय किसान भाइयों के लिए दोहरे कार्य का समय है इसमें घरी फसलों की सोयाबीन आदि की कटाई होकर फसल को सुखाकर भंडारण का समय है और इसके साथ ही जो रबी फसलों में बुआई भी शुरू हो गई है चना मसूर की सरसों की और गेहूं की बुआई भी आगामी समय में की जानी है ये कार्य भी साथ साथ चल रहा है इसके लिए किसान भाइयों ने सभी आदान की व्यवस्था कर ली होगी अच्छे बीज की व्यवस्था कर ली होगी अब समय है कि हम फसलों की बुआई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लें तो हमारी फसल की बढ़वाड़ अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा होगा सबसे पहले हम जो जातियों का चुनाव करते हैं तो मुख्य रूप से जो रबी फसल है उसमें दलहनी फसलों में चने की फसल महत्वपूर्ण है इसमें मुख्य रूप से जो उन्नत जातियाँ हैं जिनका किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिल रहा है उन जातियों का उपयोग करें इनमें मुख्य रूप से आर वी जी दो सौ एक आर वी जी दो सौ दो आर वी जी दो सौ ये जातियाँ अच्छा उत्पादन देने वाली हैं और किसान भाइयों के पास इनका बीज भी उपलब्ध है और प्रमाण संस्थाओं से भी इनका बीज उपलब्ध है इसके साथ ही किसान भाई अगर काबली चना की बोनी करना चाहते हैं तो काक टू जाति बहुत अच्छी है और उसके साथ में जे जी के एक ये जाति भी अच्छी बड़े दाने की जाती है और ये भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं इनसे भी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और इसके बाज़ार के भाव मंडी के भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं बुआई के समय मुख्य रूप से हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हम एक तो उर्वरक रासायनिक उर्वरक का उपयोग तो करें साथ ही हम जैविक खादों का जैविक उर्वरकों का भी पूरी तरह से उपयोग करें और जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से जैविक खादों का जैविक जो उर्वरक हैं उनका ध्यान रखना है उनका उपयोग करना है और इसमें मुख्य रूप से बीजोपचार आवश्यक है जैसा आप देखते हैं कि चने में कई बार पौधे सूखने की शिकायत बाद में आती है बढ़वार के समय उसमें मुख्य रूप से उखटा और दूसरे प्रकार की बीमारियाँ आने लगती हैं तो अधिकांश जो जातियाँ हैं वो रोग रोधी हैं लेकिन इसके साथ ही हमें उनका बीज उपचार करके भी अवश्य बुआई करना है इसके लिए थायरम दो ग्राम और कार्बन डाइजीम एक ग्राम कुल तीन ग्राम ये जो है फफूंद नाशक दवा एक किलो बीज के लिए इस हिसाब से पूरे जो बीज आप बो रहे हैं उसको आप उपचारित कर लें और उसके बाद में छाया में सुखा के उसको बोएं साथ ही हम इसके जैविक उर्वरों की जो हम चर्चा करते हैं उसमें भी आवश्यक रूप से इनका उपयोग करें जिससे हम हमारी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सके इसमें मुख्य रूप से आ, कल्चर जो आप उपयोग करते आ रहे हैं राजोवियम कल्चर का उपयोग करना है जो नतजन की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है और इसके साथ ही पी कल्चर जो है ये फास्फोरस इस को उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी होता है इसका भी उपयोग करें ये पाँच ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इन कल्चर का उपयोग करेंगे तो हमें अपने फसलों में लाभ मिलेगा किसान भाई उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जब हम बुआई करें चाहे हम मसूर की फसल बोएं या चने की फसल बोएं इसमें हमें इसकी कतार से कतार की दूरी तीस से चालीस सेंटीमीटर ज़रूर रखना है यह इसलिए भी है कि आगामी समय में उपचार के साथ साथ जब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम खरीफ फसलों के समान ही इसमें अपने डोरे कुल पर चला सकते हैं जिससे खरपतवारों का नष्ट होना शुरू हो जाएगा साथ ही ये मॉइस्चर को नमी को संरक्षित करने में भी मदद मिलती है इसमें भूमि में गुड़ाई हो जाती है इससे मॉइस्चर नमी आपकी संरक्षित होती है तो कम हमें सिंचाई देने की आवश्यकता होती है या जो उपलब्ध नमी है उससे ही हमारी फसल की बढ़वार अच्छी होती है किसान भाई उसके साथ ही ये आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि जो हम आवश्यक उर्वरक उपयोग कर रहे हैं रासायनिक उर्वरक वो हम अपनी जो मिट्टी की जांच है उसके आधार पर जो मात्रा है जो आपको है खेत के हिसाब से है उसके हिसाब से ही उपयोग करें और उतनी ही मात्रा खरीदें अनावश्यक रूप से आगामी समय के लिए अधिक आवश्यकता से अधिक उर्वरक खरीद के ना रखें क्योंकि आपके पास उसके दूसरे भी जरिए हैं हमारे जैसे कि हम जैविक खाद दे सकते हैं कंपोस्ट नाडेप कंपोस्ट दूसरी कंपोस्ट है वो दे सकते हैं गोबर की खाद दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बहुत से हमारे किसान भाई बनाने लगे हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं तो आपकी मात्रा जो रासायनिक उर्वरक की है वो कम हो जाएगी और आपकी नमी संरक्षण भी रहेगी मिट्टी की दशा भी सुधरेगी और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी इसके साथ ही किसान भाई मसूर भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे रबी की इसमें आर बी एल सोलह और जे एल टू अच्छी जातियाँ हैं इनको आप बो सकते हैं और इन इनमें भी बुआई के समय हमें ध्यान रखना है कि इनकी दूरी रहे जिससे हम उनमें खरपतवार नियंत्रण के लिए उनका निंदाई कर सकें डोरे कुल पे चला सकें और इसके साथ ही बीज उपचार मसूर में भी करना है और साथ में हमें किसान भाइयों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम फसल जो पहले बो चुके हैं या जो अभी पलेवा सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद में बुआई करेंगे दोनों स्थिति में स्प्रिंकलर का उपयोग करें और जहाँ स्प्रिंकलर यदि उपलब्ध नहीं है तो वह क्यारी बनाकर उसका उपयोग करें जिससे कि पानी अनावश्यक रूप से अधिक खेतों में न जाए और जितनी आवश्यकता है खेत में नमी के लिए उतना ही पूरे खेत में समान रूप से फैले और इसके लिए पूरे खेत को आप क्यारियों में बांट लें और इसके बाद एक क्यारी फिर दूसरी क्यारी फिर तीसरी इस तरह से एक क्यारी के बाद दूसरी क्यारी में सिंचाई करें चाहे हम फसल बुआई की बात कर रहे हैं या हम पलेवा कर रहे हैं आगामी बुआई के लिए और इस तरह से मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी सिंचाई करें तो उसमें स्प्रिंकलर को प्राथमिकता दें फारा पद्धति से करें जिससे हमें पानी भी कम लगता है और एक समान उसमें पानी भूमि में उपलब्ध होता है पौधों को उपलब्ध होता है तो इस तरह की अगर हम सावधानी शुरू में बुआई के समय अभी रखेंगे तो हमें निश्चित रूप से हमारी रबी फसलों से अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार मिलेगी साथ ही किसान भाई हम अभी आप लोग खरीफ फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन की कटाई करके अभी निवृत्त हुए हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है कि उसका भंडारण उसकी गहाई करने के बाद में जो भंडारण है वो नमी उसमें ना रहे उसके बाद उसका भंडारण करना है बाहर इसको अच्छे से सुखा लें उसके बाद में अगर आपको कुछ बाज़ार में भी बेचना है मंडी में भी बेचना है तो सुखा कर ले जाएं और भंडारण करना है आवश्यक रूप से उसको भी सुखा कर भंडारित करें जिसमें उसमें भंडारण वाले कीड़े नहीं लगेंगे तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि इस तरह से आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी आप उससे अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे नमस्कार तो किसान भाइयों आपने जाना कृषि में सामयिक कार्य के बारे में क्या क्या कार्य करना है हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छे से बताया फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों और ब्रेक से पहले हमने बात की थी कृषि में सामयिक कार्य के बारे में अब हम जानेंगे एक नई फसल के बारे में जी हाँ वैसे तो ये फसल जो है हमारे कई किसान भाई लगाते हैं लेकिन अब जब उन्नत खेती की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे इस फसल को किस तरीके से लगाना है कि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ मसूर की खेती के बारे में किसान भाइयों रवि सीजन का आगमन में हमारे पास वैकल्पिक रूप में बहुत सारी फसलों का चयन होता है लेकिन मसूर की अगर बात करें तो मसूर भी उनमें से एक होती है जो कि हमें ज़्यादा लाभ दिला सकती है अब मसूर की खेती में हमें किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है किस्मों का चयन करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें शुरुआत में किस तरीके की गतिविधियों का प्रयोग करें या किस तरीके की हम उर्वरकों का प्रयोग करें या किस्मों का प्रयोग करें तो हमें जो है मसूर की खेती में ज़्यादा लाभ मिले इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर आर पी सिंह से और चलिए चलते हैं जानते हैं मसूर की खेती के बारे में सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ किसान भाइयों रबी की फ़सलों का बोने का समय आ गया है रबी की मौसम में आप लोग चना मसूर गेहूँ बटरी आदि मुख्य फसलें मध्य प्रदेश में बहुतायत से बोई जाती है इनमें से इन सभी फसलों में से मसूर की फसल भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि मध्य प्रदेश में किसान भाई बहुत रुचि लेकर और अत्यधिक क्षेत्र में बो बोते हैं और अधिक उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों ये मसूर मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फसल है जो कि मुख्य रूप से सागर दमोह टीकमगढ़ बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है इस फसल की अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों उचित आ, उचित पैकेज और प्रैक्टिस जो हमारी उन्नत कृषि तकनीक है इस तकनीक से अगर आप इसको उत्पादन लेंगे खेती करेंगे तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा इस इसी आ, इस अवसर पर किसान भाइयों मैं आ, आपके आ, आपके लिए एक प्रमुख जातियों की आ, के बारे में आपको अवगत कराऊंगा तो हमने हमारे कृषि महाविद्यालय सीहोर से कई महत्वपूर्ण और अधिक उत्पादन देने वाली जातियां विकसित की है उन प्रमुख जातियों में सब सर्वप्रथम जाति है आर बी एल इकतीस किसान भाइयों ये आर बी एल इकतीस जाति जो है ये बड़े दाने वाली जाति है अधिक उत्पादन देने वाली जाति है और लगभग ये 107 से 110 दिन में इसकी आ, पकती है उत्पादन क्षमता इसकी 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आती है यह जाति बड़े दाने वाली 100 दानों का वजन लगभग 2.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम का वजन इसका आता है यह जाति किसान भाइयों जो मसूर में आप देखते हैं कि उठा की प्रमुख समस्या है उस उस रोग के लिए ये सहनशील जाति है तो यह बहुत अच्छी जाति है किसान भाइयों उत्पादन बहुत अच्छा होता है और आप इस जाति को ज़रूर अपनाएं दूसरी जाति हम आपको बताना चाहते हैं जो कि हमारे केंद्र से विकसित की गई है ग्यारह आर वी एल ग्यारह डेस छः किसान भाइयों यह जाति भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार होती है और इसकी औसत पैदावार लगभग 12 कुंटल प्रति हेक्टर है यह जाति अधिक उत्पादन देने वाली देने वाली और उगटा सहनशील जाति यह भी है यह जाति भी बड़े दाने की है इसके 100 दाने का वजन भी लगभग 2.8 ग्राम आता है किसान भाइयों मैं आपको अगली जो हमारे केंद्र की नई वैरायटी जो विकसित की गई है वो आर वी एल तेरह पाँच किसान भाइयों यह जाति जो जो हमने पूर्व में जाति बताई थी उन जातियों से भी अधिक उन जातियों के दा जो दाने हैं उससे भी बड़े दाने वाली ये जाति है यह बहुत अच्छी जाति है इसकी इसकी जो औसत पैदावार है ये लगभग बारह तेरह कुंटल प्रति हेक्टर आती है यह जाति भी उगटा सहनशील जाति है और इसका सौ दाने का वजन लगभग तीन ग्राम प्रति प्रति सौ ग्राम है इसमें एक और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता है किसान भाइयों कि इसमें आ, हाई प्रोटीन है इसमें प्रोटीन लगभग 29 परसेंट इसके दानों में प्रोटीन पाया जाता है तो यह किसान भाइयों खाने के लिए भी बहुत अच्छी है और दाल के लिए भी बहुत अच्छी जाती है अगली हमारी वैरायटी है किसान भाइयों आर वी एल राज विजय लेंटिल तेरह डे सात यह जाति थोड़े कम दिन की है लगभग 100 से 105 दिन में पककर ये तैयार होती है इसकी औसत पैदावार बहुत अच्छी है लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आती है किसान भाइयों यह भी बड़े दाने वाली जाति है और इसका दाने का कलर थोड़ा सा डार्क है जिसको काला मशरा अपन कहते हैं उसी का यह उन्नत उन्नत जाति है जो हमारे सागर दमो अन्य क्षेत्रों में काला मसरा बोए जाता है उसी की यह उन्नत जाति है यह बहुत अच्छी जाति है इसके भी बड़े दाने वाली सौ दानों का वजन लगभग तीन ग्राम आता है यह जाति जो हमने विकसित की गई है इसकी दानों में प्रोटीन भी अधिक पाया जाता है लगभग उनतीस परसेंट प्रोटीन इसमें पाया जाता है यह जाति उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छी बहुत अच्छी जाति किसान भाइयों अगली मैं आपको एक महत्वपूर्ण जाति के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमारे केंद्र से अभी अभी रिलीज की गई है वह है आर बी एल पंद्रह डेश एक किसान भाइयों यह जाति अधिक उत्पादन देने वाली और सबसे कम समय में पकने वाली ये सौ दिन के अंदर ये जाति पक जाती है लगभग पंचानवे सौ दिन में ये जाति पक जाती सबसे सबसे जल्दी पकने वाली किस्मों में ये जाति आती है यह जाति जो है एक महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि इसकी औसतन पैदावार लगभग सत्रह से अठारह कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी आती है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उक्टा निरोधक जाति है विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी एकमात्र वैरायटी ये मसूर में है जो कि विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है यह इस जा, जाति में विल्ट नहीं लगता है नहीं लगता बड़े दाने वाली जाति अधिक उत्पादन देने वाली जाति है और इस जाति ये जाति मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है किसान भाई तो किसान भाइयों ये हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण मसूर की किस्मों के बारे में आपको बताया किसान भाइयों हम आजकल देख रहे हैं कि किसान नया बीज नया बीज के चक्कर में कहीं से भी कोई भी बीज नया कह के, के आपको देता मैं आपसे सलाह मेरी आपसे सलाह है कि जो जातियां हमारे केंद्र से हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो अनुमोदित की जाती है इन्हीं जातियों को आप बहुत आय से अपनाएं और इन्हीं को लगाएं, इन्हीं को देने से आप इन्हीं को लगाने से आपको अधिक से अधिक उत्पादन दिया जाता है एक और बात बताना चाहता हूं किसान भाइयों कि मसूर मसूर जो हम बहुत पुराने समय से बोते चले आ रहे हैं बोते चले आ रहे हैं यह जो आप बोने का आपका तरीका है मैंने कई किसान भाइयों के खेतों पर देखा है कि वह जो हम गेहूं के लिए सी ड्रिल उपयोग करते हैं उसी सी ड्रिल से मसूर की बोनी भी कर देते हैं उससे आपके जो दोनों पाटनों की दूरी है वो बहुत कम हो जाती है दाने जो है लगभग लगभग आपका सौ सवा सौ कुंटल सौ सवा सौ के प्रति हेक्टेयर गिरता है जो कि मसूर की खेती के लिए कहीं भी उपयुक्त नहीं है अगर आपको मसूर की बहुत अधिक अच्छी पैदावार लेना है तो किसान भाइयों आपको इसको उचित दूरी पर बोना आवश्यक है या आप 12 इंच की दूरी पर इसको निश्चित रूप से बोएं और बीज जो है बीज आपको 35 तो से 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप बीज का उपयोग करें इससे ज़्यादा बीज आपको मसूर के लिए नहीं हो किसान भाइयों आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ऐसे किसान भाइयों आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल प्राप्त होगी धन्यवाद तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही अगले अंक में फिर मुलाकात होगी उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होंगी आप बने रहिए खबरें खेती के साथ मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर किसानों के खाते में एक करोड़ रुपए डाले चौरानवे लाख हेक्टेयर में होगा गेहूं धान की बम्पर आवक खेत में हरियाली और घर में आई खुशहाली और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध और अब खबरें विस्तार से मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 की तुलना में अब तक तीन गुना उत्पादन बढ़ा है देश और प्रदेश में अन्नदाताओं की मेहनत से अनाजों के गोदाम भरे पड़े हैं अन्य ही भ्रम है देश किसानों का ऋणी है ये विचार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की द्वितीय किश्त सतहत्तर लाख किसानों के खाते में एक करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से डालते हुए व्यक्त किए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से साल में कृषकों को दस हजार रूपए मिले हैं जो छोटे किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है उन्होंने कहा कि खेती के लिए सबसे जरूरी पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है राज्य में सिंचाई क्षमता साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर बयालीस लाख है कर दी गई है वर्ष 2025 तक पैंसठ लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के लिए आवश्यक बिजली की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए इक्कीस हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई है उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं तथा पेट्रोल में कमी करने के लिए अनाज से एथेनॉल बनाने का प्रयोग भी किया जा रहा है मध्य प्रदेश में इस वर्ष रवि 2021-22 में एक करोड़ अड़तीस लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में रवि फसलें लगाई जाएगी गत वर्ष एक करोड़ छत्तीस लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली गई थी इस वर्ष लगभग दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर करने का लक्ष्य है वहीं खाद के लिए लगभग बयालीस लाख टन वितरण लक्ष्य रखा गया है कृषि विभाग के मुताबिक इस वर्ष राज्य में एक लाख नवासी हजार हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है इसमें प्रमुख फसलें बोनी चौरानवे दशमलव आठ दो लाख हेक्टेयर में की जाएगी गत वर्ष गेहूं 102 लाख हेक्टेयर में बोया गया था और चालू रबी मुख्यतः गेहूं का रकबा लगभग आठ लाख हेक्टेयर कम दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें दालों के आयत पर निर्भरता कम की जा सके और तेलों की बढ़ती कीमत की, की नियंत्रित किया जा सके वहीं खाद्यान्न फसलों के तहत जौ की बोनी पचासी दशमलव आठ चार हज़ार हेक्टेयर में होगी जानकारी के मुताबिक राज्य में दलहनी फसलों के तहत मुख्य रूप से चने की बोनी चौबीस दशमलव तीन शून्य लाख हेक्टेयर में मसूर की पाँच दशमलव चार सात तथा मटर दो दशमलव तीन दो लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी इसी प्रकार तिलहनी फसलों में मुख्यतः सरसों की बुआई आठ लाख हेक्टेयर में तथा अलसी की फसल एक लाख हेक्टेयर में ली जाएगी रबी की नकदी फसल गन्ने की बुआई एक दशमलव चार तीन लाख में होगी मंडी में इन दिनों खरीफ की फसल धान की बंपर आवक हो रही है उपज मंडी में धान के उन्नत दाम मिलने के कारण आम के पास लगभग कपास से सात जिलों के किसान लगभग पासों से सात सौ ट्रॉलिया प्रतिदिन धान लेकर रासायनिक कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं जिससे मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान पर नीलामी के लिए ट्रॉलियों का जमघट देखा जा रहा है बता दें कि प्रतिदिन 1000 से 1500 टन की आवक से कृषि उपज मंडी रायन की आमदनी भी बढ़ी है विगत साल की अपेक्षा इस वर्ष रायसन कृषि उपज मंडी में धान की कीमत में वृद्धि देखी गई है जहाँ विगत वर्ष अठारह से बाईस सौ प्रति क्विंटल धान की नीलामी हुई थी रायसन की कृषि उपज मंडी में धान लोकल व्यापारियों के साथ ही बाहर की कंपनियां अभी कंपनिया की मंडी से धान खरीदती है जिससे यहां किसानों की अपनी धान का अच्छा रेट मिलने से काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है मंडी के व्यापारी अंशुल सोनी ने बताया कि बंपर आवक शुरू हो गई है और मंडी में धान की क्वालिटी के अनुसार चौबीस से लेकर पच्चीस रुपए में धान खरीदी जा रही है रायसन मंडी में सीहोर विदिशा शमशाबाद गंज बासुदा और कई जिलों में किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में धान का गढ़ कहे जाने वाले रायसेन जिले में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख हेक्टेयर में धान की फसल किसानों द्वारा लगाई जाती है इसलिए मध्य प्रदेश में अब रायसेन जिला भी धान का गढ़ बन गया है रायसेन जिले में अस्सी प्रतिशत किसान धान की फसल करने लगे हैं वहीं मंडी सचिव डीसी लाडिया का कहना है कि किसान अपनी धान की फसल की अगर सुखा कर लाएंगे तो उनकी ओर से भी अच्छी कीमत किसानों को मिलेगी खेती किसानी करने के लिए पानी की आवश्यकता अनिवार्य है समय पर किसान के खेत में पर्याप्त पानी होने पर खेती सिंचित हो जाती है पैदावार दुगनी होती है जिले में सिंचित खेती के लिए महात्मा गांधी नरेगा की उप योजना कपिलधारा कूप निर्माण से संबल प्रदान किया गया है योजना की बदौलत व्यक्तिगत कूप निर्माण कर असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने में किसान लगे हुए हैं और इससे कुओं का निर्माण कर अपने खेतों में कुओ के पानी में सिंचाई कर आजीविका के स्रोत भी बढ़ा रहे हैं रबी सीजन में किसान भाई उर्वरक प्रबंधन के अंतर्गत संतुलित रासायनिक उर्वरों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाए इससे फसल की मांग के अनुसार ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए इस हेतु उप संचालक कृषि श्री हरीश मालवी द्वारा किसान भाइयों की अनुमानित फसलों द्वारा विकल्पों में से विकल्प का चयन कर उर्वरक पर अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी गई है उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि वे अनावश्यक लागत से बचने के लिए फसल अनुसार कम लागत वाले विकल्प का चयन कर ही रवि सीजन में फसलों की बुआई करें तो किसान भाइयों आज की खबरें खेती में इतना ही दीजिए अनुमति नमस्कार